वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको अभी जैसे पता है कि डेफिनेशन कंटेंट हम लोगों ने लगभग ख़त्म ही करा है, और यूनिट वन जीएसटी एंड कस्टम लॉ में काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म जीएसटी का सप्लाई रहता है। इस सप्लाई में जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई के टू इम्पोर्टेंट नेचर पे हम बात करेंगे, कंपोजिट एंड सप्लाई। ये सेक्शन 8 है और चैप्टर 8 ये मैंने उठाया है इस बुक से, निरुपम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसने लिखी है ये? डॉक्टर विनोद विपुल विनोद की है। तो डॉक्टर विपुल विनोद की इस बुक से इस चैप्टर को हम उठा रहे हैं, और यहाँ पर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का एक्सप्लेनेशन जो है वो सबसे पहले बेटा कंपोजिट सप्लाई में मीनिंग जो दे रखा है, यहाँ से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मैं इसके आगे टर्म एग्जाम्पल पहले लेता हूँ, फिर मैं आपको मीनिंग के ऊपर लेकर के आऊँगा ताकि क्लियर हो सके। अगर ध्यान है आपको तो जब भी हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो सप्लाई में हम सेल्स को कंसीडर करते हैं। मैंने आपको बताया कि आप इनिशियल लेवल पे हैं, तो इसलिए आप इसको सप्लाई में सेल्स को समझिए कि हम सेल कर रहे हैं, और एज ए सेलर अगर हम इसको समझें तो क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर वन, इन अ सप्लाई ऑफ टीवी, मतलब इन अ सेल ऑफ टीवी। सप्लाई तो टेक्निकल टर्म है जीएसटी का, तो यहाँ पर आप टीवी को सेल करते हैं। द पैकिंग ऑफ टीवी, अब क्या हो गया कि सीधे सीधे टीवी अगर आपकी शॉप पे कोई परचेज करने आएगा और आप अपने कस्टमर को टीवी सेल करते हैं, तो इमिडिएटली या कैश में देगा पेमेंट या फिर फ्यूचर पेमेंट कर देगा, वो एक अलग बात है। मगर जो गुड्स आपके यहाँ से डिलीवर होगा टेलीविज़न, वो क्या करेगा? अपने सिर पे रखेगा और लेके चला जाएगा वैसे ही सेट? तो आप कहेंगे अरे नहीं सर, डिस्प्ले अलग चीज़ है और जब लेकर के जाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि वो टूटे नहीं। इसका मतलब एक तो आपके पास टीवी होगी जिसको मैं मान लेता हूँ कि ये टेलीविज़न का एक सेट हो गया, ये तो टीवी हो गई। अब ये आपके यहाँ डिस्प्ले थी या ये स्टैंड के ऊपर थी, इस तरीके से डिस्प्ले करके एलईडी टीवी थी। मैं एलईडी की बात कर लेता हूँ, एलसीडी एलईडी जो टीवी हैं, लेटेस्ट स्क्रीन टीवी, उनकी बात कर लेता हूँ। अब इस टीवी को जब आपको देना होगा, सप्लाई करनी होगी, तो कस्टमर को आप कैसे दोगे? सर इसके लिए तो एक हमारे पास बॉक्स होगा, हम उस बॉक्स के अंदर इस टीवी को पैक करेंगे और तभी इसकी सेफ्टी रहेगी। ऐसे तो सर नहीं सही लग रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको एक बॉक्स में पैक करोगे क्योंकि इसकी लाइफ बनी रहे। इसका मतलब है कि जो पैकिंग ऑफ टीवी है वो एक इनिशियल और इम्पोर्टेंट वर्क हो जाएगा। अब आपका जो टीवी है वो पैकिंग बॉक्स के अंदर आ रहा है, अब बॉक्स के अंदर वो इधर उधर अगर हिलेगा टूटेगा तो आप देखते हैं कि इसके साथ कुछ पैकिंग मटेरियल भी लगा होता है ताकि अगर हिल डुल भी जाए तो वो पैकिंग मटेरियल इसको सेफ रखे और टूटने ना दे। दूसरी बात हो गई, तो पहला तो टीवी सेट तो था ही था, ये तो हो गया पॉइंट नंबर वन। दूसरा देखिए, इसी के साथ में जो एसेंशियल कंटेंट है वो पैकिंग ऑफ टीवी भी हो गया। तीसरा, इसके साथ के कुछ मटेरियल्स हैं उसको भी हम दे देंगे रखने के लिए ताकि ये बकायदा ढंग से पैक हो जाए। अब आपने देखा कि टीवी तो आपकी पैक हो गई, अब अगर डिलीवरी देने जाना है तो मोस्टली डिलीवरी के लिए क्या होता है, या कोई डाला होता है या फिर इस तरीके से कोई, मान लीजिए कि आपका कोई ट्रांसपोर्ट का कोई ट्रक है तो आप किसी ट्रक को यूज़ करोगे डिलीवरी करने के लिए, इसके ऊपर गुड्स रखे जाएंगे और तब ये जाएगा। तो ये टीवी का जो सेट है वो आप इसके ऊपर जब रख करके भेजोगे तो जो कस्टमर है, तो कस्टमर का तो घर दूरी है, तभी आप मान लीजिए डाला या रिक्शा या ट्रक जैसा भी सेगमेंट हो जहाँ
डिलीवरी हो रही हो तो उसके होम तक आपको लेकर के जाना है। अब ये ट्रक यहाँ से चल करके इसके होम तक का जाएगा और यहाँ पर जाकर के डिलीवरी करेगा। अब इस कंडीशन में देखिए, टीवी तो आपकी शॉप से आ गया यहाँ पर, अब इस जगह से अगर जा रहा है तो रास्ते में हो सकता है कि कई चोरी हो जाए, एक ये भी तो रास्ते में डर हो सकता है। हो सकता है कि ट्रांजिट रास्ते के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, ट्रांजिट TRANSIT, तो ये रास्ते की बात है। और यहाँ ट्रांजिट जब कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए या चोरी हो जाए, इस तरीके के भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आप क्या करोगे सर, इसके लिए हम इंश्योरेंस करा लेंगे ताकि कवर अप हो जाए। तो देखिए, इसी स्टोरी को अगर हम ध्यान से समझें तो सबसे पहले तो आपका एक टीवी है जो आपके साथ मूव किया, उसको पैक किया, जिसको सेल कर चुके थे आप, पैकिंग में उसकी लाइफ बनी रहे इसलिए आपने पैकिंग मटेरियल लगाया, रास्ते में सेफ्टी रहे तो आपने उसके ऊपर इंश्योरेंस कर दिया, भेजने के लिए ट्रक लगाया मतलब ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज ली। सर इन सब का क्या मतलब हुआ? इन सब का मतलब है कि सेल आपकी तभी तो कंप्लीट हो पा रही है कि जिस समय आप इन सब एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं, तभी कस्टमर के घर पे जा कर के इन सब एक्टिविटीज को एक साथ रखने पर ये बंडल एक्टिविटीज का जो है वो जाता है, इसीलिए इसको बोला गया है बंडल। पूरी की पूरी एक्टिविटीज जो है वो बंडल पे होंगी, तब ये सेल आपकी जा करके कंप्लीट होगी। अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछता हूँ कि हम सिर्फ पॉइंट नंबर 1 को कवर अप कर लें, सिर्फ हम पॉइंट नंबर 1 को कवर अप कर लेते हैं और कहते हैं 2, 3, 4, 5 इन एक्टिविटीज को हम नहीं करेंगे और ये हमारी सेल कंप्लीट हो जाएगी, तो इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि सेल कंप्लीट हो जाए। तो कभी 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 तो हो सकता है, मगर मैक्सिमम केस में ये सब एक्टिविटीज जो एग्जांपल दिया 2, 3, 4, 5, उन सबको आपको करना ही पड़ेगा, इसका बंडल पूरा रेडी होगा। सर इसका मतलब है क्या ये बंडल इस एक्टिविटीज के लिए कंपलसरी हो जाएगा? यस, जब कभी भी आप कोई भी सेल करें, सेल का मतलब यहाँ पर क्या, सप्लाई करें, और वो सप्लाई इंडिविजुअल किसी एक कंटेंट की ना हो करके उसके साथ कुछ ऐसे और भी एक्टिविटीज करनी पड़े जो उस सेल को पूरा करने के लिए जरूरी हो, जैसे यहाँ पर टीवी सेल किया तो उसका पैकिंग मटेरियल हो गया, पैकिंग हो गई, ट्रांजिट की कॉस्ट हो गई, इंश्योरेंस हो गया, इन सबको कवर अप करके ही आपकी कंप्लीट सेल होती है और हम इन सबको अलग नहीं कर सकते। तो जिस समय एक की आइडेंटिटी दूसरे के साथ अटैच है, सर एक की आइडेंटिटी मतलब टीवी की आइडेंटिटी टीवी पैकिंग के साथ अटैच है मूव करते समय, ऐसा थोड़ी आप कहोगे कस्टमर से, भैया ऐसा है तुम डिब्बा लिए चले जाओ पैकिंग का और थोड़ी देर में आ करके इसके साथ जो थर्माकोल वगैरह मटेरियल रखा है वो कर लिए जाना और 2 दिन बाद आके टीवी ले जाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पूरा का पूरा एक बंडल होगा और उसको एक ही साथ आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस सेंस में जब पूरा बंडल एक साथ सप्लाई किया जाए और उसको अलग ना किया जा सके तो ये आपकी कंपोजिट सप्लाई बन जाती है। तो ये कंपोजिट सप्लाई है जिसको कि हम अलग नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी कि जितने भी टर्म्स हैं वो सबको एक साथ रखना जरूरी है सारी एक्टिविटीज को, ताकि हमारी सप्लाई कंप्लीट हो सके। अगर हम आसान भाषा यूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट सप्लाई में सारे कंटेंट एक साथ रखने पड़ते हैं, उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल से शुरू किया था। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल पे भी आता हूँ ताकि कंपोजिट वाली बात आपको ढंग से समझ में आ जाए। मैंने इसीलिए यहाँ पर विपुल विनोद जी की बुक उठाई क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल बच्चों को समझाने के लिए काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है मिस्टर ए परचेज दे चॉकलेट गिफ्ट पैक। तो अब देखो, ये चॉकलेट का गिफ्ट पैक लिया है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक चॉकलेट से थोड़ी ज़्यादा तो उसके अंदर चॉकलेट होंगी, कुछ बिग होंगी, कुछ स्मॉल होंगी, कुछ अलग अलग साइज की होंगी।
द चॉकलेट वॉज सप्लाइड एज अ प्रिंसिपल सप्लाई, तो मेन पर्पज क्या था मिस्टर ए का, चॉकलेट खरीदना, तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल सप्लाई हो गया कि चॉकलेट तो यहाँ से मूव हो ही रही है, बिकॉज द कस्टमर केम टू बाय चॉकलेट, मिस्टर ए आपकी शॉप पर सिर्फ चॉकलेट खरीदने आए थे, मगर बेटा उन्होंने गिफ्ट पैक ले लिया, तो जब गिफ्ट पैक ले लिया तो गिफ्ट पैक के अंदर तो बहुत कुछ होगा, सब चॉकलेट तो मेन प्रिंसिपल है ही है, मगर जब उसका बॉक्स बनेगा, ये देखिए नंबर वन तो प्रिंसिपल सप्लाई तो नंबर वन पे आ ही गया, इसके बाद में पैकिंग बॉक्स भी उसके साथ होगा, आपने मार्केट में पैकिंग कराई होगी तो पैकिंग पेपर या रैपर अलग अलग होंगे, उसके साथ गिफ्ट कार्ड भी लगा होता है, और कभी कभी तो होता है कि हम खुद ही डिलीवरी करा दें, मतलब पैकिंग सर्विसेज करा दें। अरे आप ऐसे सोचिए, अगर ये चॉकलेट नहीं है, आपको किसी की पार्टी अटेंड करने जाना है और उसके लिए गिफ्ट ले करके जाना है, और आप गिफ्ट ले जाने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर गिफ्ट अगर देना चाहते हैं, चॉकलेट नहीं कोई भी गिफ्ट देना चाहते हैं, तो ओपन गिफ्ट आपने तो कभी नहीं देखा होगा, वो बॉक्स में होता है, और गिफ्ट के समय में आप देखते हैं उसकी पैकिंग ऊपर रैपर भी काफ़ी अच्छा सुंदर सा लगा होता है, फिर हाँ सर कार्ड भी तो हम लगाते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमने दिया है बेस्ट विशेष वाला, वो भी उसका एसेंशियल पार्ट है, और कभी कभी आप नहीं जाना चाहते ऑर्डर दे देते हैं तो डायरेक्टली भी पहुंचा दिया जाता है, तो वो भी एसेंशियल पार्ट है, तो जब कभी भी कंप्लीट करनी हो सेल, यहाँ पे क्या कहेंगे सप्लाई, और उसको वेरियस एसेंशियल पार्ट्स को लेकर पूरे बंडल को लेकर के ही कंप्लीट किया जा सके, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है कंपोजिट का, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था कंपोजिट सप्लाई का, गिफ्ट पैक ऑफ चॉकलेट्स। तो यह मैं समझता हूँ कि ये दो पॉइंट आपको काफी हद तक का समझ में आए होंगे कंपोजिट के लिए, अभी मैं बुक की भाषा नहीं यूज करने जा रहा हूँ, एक और समझाते हैं आपको, अब आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, ये भी एक एग्जाम्पल है और बेहतर कंपोजिट का आप समझ सकते हैं, द सेलर ऑफ अ न्यू व्हीकल ऑफर ऑन बाइंग अ व्हीकल, तो अब देखिए आप व्हीकल परचेज करने का मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर एक परचेज करी क्या मोटरसाइकिल, आपने परचेज करी क्या मोटरसाइकिल, तो अब अगर आपने इस जगह पर सपोज करिए कि एक मोटरसाइकिल रेसिंग मोटरसाइकिल या सिंपल मोटरसाइकिल आपने परचेज करी, तो क्या होगा, आप मोटरसाइकिल लेके डायरेक्ट चले आएंगे, ऐसा तो है नहीं, इस मोटरसाइकिल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, तो रजिस्ट्रेशन भी होगा, फिर चलते चलते आप क्या कहोगे भाई अब इसके साथ अगर हम जा रहे हैं तो कुछ इसके हमको टूल किट्स भी दे दिए जाएं, तो टूल किट्स भी मिलते हैं, मतलब छोटे मोटे रिंच प्लग वगैरह साफ करने के लिए, फिर अब आप देखते हैं कि इसी गाड़ी के साथ में आपको फर्स्ट एड बॉक्स भी दे दिया जाता है, ये भी इसका एक पार्ट हो गया, तो ये क्या अट्रैक्टिव चीजें बन रही हैं, तो जब यहाँ पे बेटा ये अट्रैक्टिव चीजें बन रही हैं तो खाली व्हीकल नहीं है, उसके साथ एसेंशियल हो जाती हैं कुछ चीजें जो कि लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी हो गई हैं, तो यहाँ पर देखें जो प्रिंसिपल कमोडिटी है वो तो हमारा व्हीकल हो गया जिसको हमने नंबर वन कह दिया, फिर रजिस्ट्रेशन भी इसके लिए जरूरी, तब तक सेल नहीं कम्प्लीट होगा, इंश्योरेंस के पेपर कंपलसरी, पुलिस चालान कर देगी इसके बिना नहीं कम्प्लीट होगा, टूल किट भी पार्ट ऑफ रूल हो गया, फर्स्ट एड बॉक्स भी आप दे दे रहे हैं, साथ में आफ्टर सेल सर्विस की फोर मेंटेनेंस सर्विस भी दे दे रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर इन सब चीजों को चाहे वो गुड्स के पार्ट में हो चाहे वो सर्विस के पार्ट में हो, जब उनका कॉम्बिनेशन बनना जरूरी हो जाता है जिससे कि सेल कंप्लीट हो, तो इस तरह की जो सेल होगी तो वो सप्लाई के कैडर में किस में आएगी, कंपोजिट में, इन तीनों एग्जाम्पल में बार बार मैंने आपसे यही कहा है कि इनको अलग करना मुश्किल है, ऐसा नहीं होता, अगर आपके यहाँ कोई मोटरसाइकिल परचेज करने आया तो उससे आप क्या कहोगे, भैया ऐसा करो आज तो आप टूल किट ले जाओ, फर्स्ट डे आप टूल किट ले जाओ, क्योंकि देना तुमको सब है ही है, और जब कल आना तो फर्स्ट एड बॉक्स ले जाना, और उसके बाद किसी को भेज देना तो मैं इंश्योरेंस भी दे दूंगा गाड़ी का, बाद में मोटर व्हीकिल ले जाना, तो क्या 3 4 5 अगर इंसिडेंट्स खाली कंप्लीट कर दिए जाएं ये कंटेंट, तो सेल कंप्लीट होगी, आप कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं ये सेल कैसे कंप्लीट हो सकती है, इसके लिए तो जरूरी है कि पहले तो मोटरसाइकिल जो मेन कंटेंट है हमारे पास
वो आना जरूरी है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल कमोडिटी है, प्रिंसिपल गुड्स हैं, उसके साथ में अटैच सर्विसेज और जो गुड्स हैं उनका पूरा पैकेज और बंडल बनाए, तो इस तरह की सप्लाई हमारी हो गई। कौन सी सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई। मैंने थ्री एग्जाम्पल आपको अभी दिए, इसके बाद मैं फोर्थ पे आता हूँ। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ी, अभी सिर्फ आपके अंदर कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हैं कि कंपोजिट सप्लाई के एग्जाम्पल्स आपके माइंड में रहें और आप आंसर लिख सकें। अ ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज बाय अ इंस्टीट्यूशन। इन द ट्रेनिंग पैकेज, ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, टीचर आया, फैकल्टी आई, उसने आपको ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद में स्टडी मटेरियल भी साथ साथ दे दिया। लंबा चलता है ट्रेनिंग तो बीच में रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था कर दी। तो ट्रेनिंग में देखिए इस पूरे पैकेज को एक साथ रखा जाएगा, तभी जा करके पैकेज कंप्लीट होगा। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये तो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई हो गया, और इसके जो सपोर्टिव हैंड्स हैं, क्या क्या? फैकल्टी है, स्टडी मटेरियल है, रिफ्रेशमेंट है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, एक्सेट्रा लगा हुआ है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के अगल बगल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? कंपोजिट का, क्योंकि अभी हम लोग कंपोजिट पे चल रहे हैं। एक और राइटर ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, हम उसका भी यहाँ फायदा लेते हैं। अब मैं आता हूँ फिफ्थ एग्जाम्पल पे। आ पैसेंजर बुक आ ट्रेन टिकट। चलिए आपको जो है दिल्ली जाना है मान लीजिए, और आपने ट्रेन टिकट बुक करा दिया, ठीक है सर, ये सप्लाई हो गया, हमने ट्रेन टिकट जो है बुक करा दिया। अब इसके साथ में आपको फूड भी मिल रहा है इसी प्राइस में टिकट के साथ में, तो आप देखिए ये बंडल नहीं बन गया? दो चीजें एक साथ आ गई कि नहीं आ गई? दोनों को अलग अलग नहीं किया गया, पैसा आपसे एक साथ लिया गया। देखो, यू कैन नॉट बाय फूड विदाउट परचेज ऑफ ट्रेन टिकट, और ये साफ साफ अगर कंडीशन है कि आप ऐसे नहीं कर सकते तो फिर ये आपके लिए कंपोजिट होगा। यहाँ पे ये फाइव एग्जाम्पल्स आ गए। अब इसी पर ही मैं एक सिक्स्थ चलते चलते आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। सर कौन सा? आप पीवीआर में मूवी देखने जाएं और टिकट के साथ में अटैच कर दिया जाए कि पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी है, और टिकट में ही उसी वैल्यू को ऐड कर दिया गया है, तब तो आपकी मजबूरी ही है कि पूरा पैकेज आपको लेना पड़ेगा। तो ये कंपोजिट है, इसको अलग अलग करके नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने सिर्फ आपको लेमैन लैंग्वेज में एग्जाम्पल के थ्रू कंपोजिट सप्लाई समझाई। अब देखिए बुक इसकी क्या मीनिंग कहती है, जितना समझाया उसके लिए बुकिश लैंग्वेज की बात करते हैं। मैंने हिंदी में भी इसे समझा दिया कि कुछ स्टूडेंट जो हिंदी में हैं उनको दिक्कत नहीं हो इनके आंसर लिखने में। कंपोजिट सप्लाई मीन्स द सप्लाई इज इन फॉर्म अ बंडल ऑफ टू और मोर गुड्स। तो मिनिमम दो तो होने ही चाहिए चाहिए, और ये बंडल जो है वो आपका बनेगा कम से कम दो का। सर तो क्या ये बंडल गुड्स और गुड्स और गुड्स गुड्स का ही होना चाहिए? नहीं, इस बंडल में आपके बेटा गुड्स भी आएंगे और सर्विसेज भी। तो जो बंडल बनेगा वो गुड्स को भी कवर अप करेगा और वो बंडल सर्विसेज को भी कवर करता है। दिस बंडल इज इन इट्स नेचुरल फॉर्म एंड इज इन कोर्स ऑफ बिजनेस। द गुड्स और सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यही सब मैंने आपको बताया अभी, और ये उसी ही लैंग्वेज को यहाँ पर यूज किया गया है। अब आते हैं, अगर हम लैंग्वेज पे ध्यान दें कि डेफिनेशन फिर सर क्या होगी, तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर कट लिखी दिख रही है। जितना सब समझाया है उसी कॉम्बिनेशन को ही डेफिनेशन में रखा गया है, और कंपोजिट की डेफिनेशन जो है वो सब सेक्शन 230 में गिवेन है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 30 में, CGST Act 2017 जो डिफाइन करता है कंपोजिट सप्लाई को। मैं यहाँ पर हूँ, क्या कहता है? कंपोजिट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। तो अगर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो हम उसको कंपोजिट सप्लाई अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन में नहीं रखेंगे। तो एक टर्म तो ये यूज हो गया, जरूरी है। टू अ रिसिपियंट, रिसिपियंट का मतलब है जो परचेज कर रहा है। आसान भाषा में टैक्सेबल पर्सन कौन है? सेलर है। रिसिपियंट कौन है? जो परचेज कर रहा है। कंसिस्टिंग टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, टू और मोर ज्यादा भी हो सकती है, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको बताया दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी, अलग अलग हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। विच आर नेचुरली बंडल्ड, मतलब वो उनका बंडल बनना जरूरी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था? टीवी था, वरना टीवी जो टूट जाएगा। एंड सप्लाई इट कंजंक्शन विद
ईच अदर इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। तो इन सब में जब प्रिंसिपल सप्लाई की बात हुई तो इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि टीवी ही खरीदने कस्टमर गया था, तो टीवी जो है वो क्या हो गई, प्रिंसिपल सप्लाई हो गई। और इसके साथ में उसको सेव करना, आगे बताना, एग्जाम्पल दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ों को ले लेंगे तो एक कंपोजिट सप्लाई हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आंसर लिखते समय इस टेक्निकल पॉइंट को भूल जाते हैं। सर क्या है वो टेक्निकल पॉइंट? बेटा ये टेक्निकल पॉइंट है हमारा टैक्सेबल सप्लाईज। एक तो जो पर्सन है वो भी टैक्सेबल होना चाहिए और जो उसकी सप्लाईज हैं वो भी टैक्सेबल के पार्ट में आएंगी, तभी उनको हम रखेंगे डेफिनेशन में कंपोजिट सप्लाई को। ये तो थोड़ा टिपिकल होता है, मगर जब सेक्शन में हो तो इसको दो बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। जब भी डेफिनेशन आपको समझने में दिक्कत हो, तो मैंने एग्जाम्पल ही आपको दिया था स्टार्टिंग में 5, तो आप उनको एक बार रिवाइंड करके देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और ढंग से क्लियर हो जाएगा। जो लोग लेट आए हैं उनके लिए मैं ये खास तौर से बताना चाह रहा था। आफ्टर देन अब आप समझ गए कि हमारे पास क्या होता है कंपोजिट सप्लाई। अब इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या मेन फीचर्स हैं, उनको भी समझना जरूरी है। जो सब बताया उन्हीं को ही रिपीट किया गया है। सर इसका क्या मतलब है फीचर्स के लिए? देखिए मैं आपसे एग्जाम्पल में कहूँ कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले जिस रूम में मैं हूँ, मैंने रूम में एक एलिफेंट को देखा और वो एलिफेंट मेरी तरफ देख रहा था, तो मैंने जोर से जमीन पर पैर पटका और वो एलिफेंट एक छोटा सा छेद था दीवार में, उस होल में वो घुस गया और उसकी जो लॉन्ग टेल थी वो पीछे की तरफ थी, उसको पकड़ने की कोशिश की तब भी वो भाग गया। सर उस एलिफेंट का साइज क्या रहा होगा? तो मैं बताऊंगा एक बिस्किट के पैकेट के बराबर, छोटा सा था वो और इस तरह वो भाग गया। आप कहेंगे सर अच्छा उस एलिफेंट के जो कान थे, ईयर थे, उसका साइज कैसा था? तो मैं कहूंगा भाई वो तो एक दाल के दाने के बराबर था। तो आप कहेंगे सर बोल तो आप सब रहे हो एलिफेंट बार बार, मगर जो फीचर बता रहे हो वो सब तो चूहे के बता रहे हो, रैट के बता रहे हो, ये हमको आप बेवकूफ ना बनाओ। तो हाँ ये बात तो एकदम ठीक है। तो आपने किस चीज से रिकॉग्नाइज कर लिया? उसके फीचर से, उसके करेक्टरिस्टिक्स से। तो इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स बोलूं तो आप डेफिनेशन भी तैयार कर लोगे जो डेफिनेशन के ही बेस पे करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं। मैं आपसे कहूं अभी अभी मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा साया जैसा देखा। सर क्या देखा? वो कम से कम जो है 15 फिट का था लंबा, उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक टेल भी थी पीछे, और उसकी नोज जो थी वो बहुत लंबी आगे तक की थी और उसके कान बहुत बड़े बड़े थे। तो क्या मुझे आपको नाम बताने की जरूरत है कौन? कहेंगे हाँ सर यही तो एलिफेंट हाथी होता है। तो आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया? आपने इसके फीचर्स रिकॉग्नाइज किया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो कंपोजिट सेल का चल रहा था, कंपोजिट सप्लाई का चल रहा था। तो कंपोजिट सप्लाई के केस में क्या क्या चीजें थी उन्हीं को ही बुकिश लैंग्वेज में अच्छी भाषा में आंसर लिखने के लिए अब हम समझते हैं। सबसे पहला टर्म तो सप्लाई है, ये तो आप समझ ही गए, जिसको मैंने बोला था कि नॉर्मल बिजनेस में हम इसको सेल्स बोलते हैं। इसके अंडर में गुड्स भी आता है और सर्विसेज भी आता है, बोथ। ये देखो नीचे लिखा है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सब चीजें इसके अंडर में आती हैं। और इसका यहाँ नीचे एग्जाम्पल दे दिया गया है, मन करे तो पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ना मन करे तो मत पढ़िएगा। देन सेकेंड हमारे पास मेन पॉइंट क्या था? मैंने बोला था कि खाली सेलर नहीं लिखेंगे, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? टैक्सेबल पर्सन। जो भी बंदा है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है। देन जो कंटेंट डील हो रहे हो वो टैक्सेबल सप्लाई के कंटेंट्स हो रहे हो, जो कंटेंट्स के ऊपर सब टैक्स लगने वाला हो। और ऐसी कंडीशन में एक हमेशा प्रिंसिपल सप्लाई होता है। सर प्रिंसिपल सप्लाई मतलब वही टीवी, याद करो मेन टीवी खरीदने के लिए गए थे, ये इसका एक नेचर है। आफ्टर देन ये एक नेचुरल बंडल होता है। नेचुरल बंडल मतलब नॉर्मली बिजनेस में इसी तरीके से टीवी सेल किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि सिंगल टीवी उठाया और सिर पे रखा और भागते हुए घर चले गए। आप कहेंगे कहीं ऐसा होता है? पूरा पैकेज होता है उस तरीके से टीवी जाएगा। आफ्टर देन हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल बंडल। नेचुरल बंडल में थोड़ा सा और बता दिया जाए,
नेचुरल बंडल, जैसे अभी मैंने बोला एग्जाम्पल, मैंने वहीं से स्टार्ट ही किया था नेचुरल बंडल से। जो नए लोग हैं वो रिवाइंड करके भी देख लेंगे कि नेचुरल बंडल मैंने एक फोटो सी बनाने की कोशिश करी थी, जिसमें टीवी को रखा था, फिर बाद में उसके बॉक्स को रखा था, और फिर पूरा कंप्लीट ट्रक के थ्रू उसके घर पे भिजवाया था। तो पूरा हमारा एक नेचुरल बंडल बना था। तो क्या हर बार ऐसा होना जरूरी है? नेचुरली ऐसा होता है, मगर जब कोई जिद ही पकड़ ले कि नहीं हम टीवी अपने सिर पे रख के ले जाएंगे, तो ये सारी चीजें तब छोड़ी जा सकती हैं। अच्छा, तो फिर सर नेचुरल बंडल को हम समझें कैसे? इस नेचुरल बंडल का मतलब रहता है जो नॉर्मल बिजनेस में चल रहा हो, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर। सर क्या मतलब? जब आप टीवी खरीदने जाते हैं तो आप उम्मीद तो रखते हैं ना कि पैक करके जाएगा। कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो आप उम्मीद रखते हैं ना कि वो एक बॉक्स के अंदर आपको दिखाया है, फिर पैकिंग करके देगा जैसे कैरी कर सके। जब आप जूता भी खरीदने जाते हैं तो जूते पसंद तो कर लेते हैं, मगर वो एक डिब्बे में पैक करके आपको देता है कि नहीं? तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही रहती है कि अरे हमको तो ऐसे ही मिलेगा, ऐसा ही चलता है बिजनेस में। तो वो नेचुरल बंडल के पार्ट में आता है। इसी तरह सर्विस की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है। मैंने इसीलिए विपुल विनोद कुमार जी की इस बुक को यहाँ पर लिया, जो कि निरुपम पब्लिकेशन की है, क्योंकि इस कंटेंट में मतलब कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, तो स्टूडेंट इजिली समझ सकता है। अब देखो, एवरी वन टू स्टे इन अ बिग होटल, जब आप होटल में जाते हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? अलॉन्ग विद स्टेइंग एट ए होटल, रिफ्रेशमेंट, टी, लंच, डिनर। तो जब होटल में रुक रहे हैं तो कमरे पे ही देखो खाना मंगा लेते हो, चाहे वो लंच हो, चाहे डिनर हो, मॉर्निंग टी हो, ये सब चीजें आप उम्मीद करते हो कि जब आप बिग होटल में जा रहे हो तो उसके पैकेज के अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। देखो लिखा है, नो कस्टमर वुड वॉन्ट टू स्टे इन 5-स्टार होटल एंड गो टू ढाबा फॉर लंच और डिनर। तो यहाँ पर क्या होता है, कौन जाता है जो 5-स्टार होटल में रह रहा है और ढाबे में जाकर खाना खाएगा? वो अपने ही रूम पे मंगाता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, इसीलिए वो नेचुरल बंडल के पार्ट में आता है। देन प्रोविजंस बाय कॉम्पिटिटर्स, आपके अगल बगल जो भी लोग टीवी सेल कर रहे हैं तो वो सब इसी सब प्रोविजन को फॉलो करते हैं, ऐसे ही पैकिंग करके देते हैं। आपकी शॉप अगर जो है गारमेंट्स की है, तो जो गारमेंट्स की पैकिंग करके जूते के लिए है, तो आप डिब्बे में पैक करके सब दे रहे हैं, आप भी वैसे ही देते हो। अब सर्विसेज के ऊपर आ जाते हैं, एग्जाम्पल जिन्होंने लिया, मैंने तो देसी एग्जाम्पल लिए ताकि दिमाग में बैठ जाए। कैटरिंग सर्विसेज आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस और फ्लाइट, मतलब जब आप रेलवे जा रहे हो या फिर फ्लाइट से जा रहे हो, तो उसके साथ में खाने, अभी एग्जाम्पल पहले हम लोग कर चुके हैं, फूड पैकेज होते हैं उनको लिया जाता है। तो ये दिमाग में रहता है पहले से ही, और कंपटीशन में चल रहा है, नहीं होगा तो आपसे फिर ऐसी कोई सर्विस नहीं लेगा। आफ्टर देन नेचर ऑफ सर्विस, नेचर ऑफ सर्विस का मतलब है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ टिक कर देता हूँ, नेचर ऑफ सर्विस। इसका मतलब है कि अगर इसको आप सर्विस को एब्सेंट कर दोगे, नहीं दोगे, तो जो मेन सप्लाई है उसकी इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाएगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं रह जाएगा लेने वाले के लिए, कि जो कंटेंट है उसके साथ ये सब चीजें आपको मिलती ही मिलती हैं। सर एग्जाम्पल थोड़ा हो जाए, आइए एग्जाम्पल पे। इफ देयर इज फैसिलिटीज ऑफ लॉन्ड्रिंग और स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर विद द फैसिलिटीज ऑफ स्टे एनी होटल, द होटल एकोमोडेशन फैसिलिटीज इज कंसिडर्ड बेटर, नेचर ऑफ सर्विस। इसीलिए जो लोग रेगुलर होटल के रूम वगैरह सर्विस लेने जाते हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई क्या क्या आप सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि तो इतना जब आप पेमेंट लोगे रूम का तो उसके साथ सर्विस क्या होगी? तो ये सर्विस का पार्ट होता है और इसको हम लोग इजिली समझ सकते हैं। तो नेचर ऑफ सर्विस मैं समझता हूँ दिमाग में अब आपके आ गया होगा। आफ्टर देन नेक्स्ट बंडल की क्या बात है? नेसेसिटी ऑफ एंसिलरी सर्विसेज, बहुत बढ़िया है, आपके आंसर को एक्सटेंशन देने के लिए एग्जाम्पल समझिए। इफ द पैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज रिमूव्ड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इज नॉट गिवन और आफ्टर सेल सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड, देन पीपल प्रॉब्ली विल नॉट लाइकली टू बाई दीज आइटम्स। क्योंकि ये अटैच हो चुका है, ये सर्विसेज उस गुड्स के साथ जुड़ चुकी हैं, उनके ऊपर ही ये चीज डिपेंड रहती है। सर क्या मतलब? अगर आप बेटा कोई व्हीकल परचेज करते हो और उसमें आफ्टर सेल सर्विस की अब बात नहीं होती है, तो आप उसको तो नहीं परचेज करोगे। यहाँ तक कि अब तो लोग रोड एक्सीडेंट का इंश्योरेंस भी लेने लग गए हैं। तो
तो ये जो एडिशनल बिजनेस है मेन बिजनेस के अलावा अटैच होते हैं, तो उन सब के लिए एंसिलरी वर्ड बना होता है जो कि मेन बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मोटरसाइकिल, कार या वैसे व्हीकल्स सेल ही नहीं होंगे तो सर्विस स्टेशन क्यों चलेंगे? सर्विस स्टेशन तो जिंदा ही है प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर, इसीलिए उनको एंसिलरी बोला जाता है। इनका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर ये प्रिंसिपल सप्लाई होगी, कारें बिकेंगी, तभी तो उनकी सर्विसिंग होगी, तब सर्विस सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो सर्विस सेंटर जो है वो एग्जाम्पल है एंसिलरी सर्विसेज के। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इन्होंने उठाया था। आफ्टर देन अब हम आते हैं अदर करेक्टरिस्टिक्स। छोटी मोटी कई करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इजिली आपको देखने में कंपोजिट के मिल जाती हैं। एक रीडिंग कर लीजिएगा, समझ में आपको ये आ जाएंगी। मैंने ऑलरेडी ये सब आपको स्टोरी सुनाते समय बता दिया है। देन टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ कंपोजिट सप्लाई। अब टैक्स लाइबिलिटीज किसकी होगी? सिंस देयर इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, सो द टैक्स विल बी लिवाइड ऑन द होल सप्लाई एट द रेट ऑफ जीएसटी ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। सर इसका क्या मतलब हुआ बेटा? आपसे जब टीवी खरीदते हो तो टीवी वाला आपको बताता है कि ये टीवी 46,000 का है। आप लेने जाते हो, फिर वो कहता है भाई टीवी 46,000 का है, ये बक्सा दे रहे हैं ये 500 रुपए का, ये पैकिंग मटेरियल लगाया ये 1,000 रुपए का। इस तरीके से थोड़ी कोई बताता है। आप तो उससे यही कहते हो ना, अरे भाई ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो जब पैकेज बनता है तो पैकेज जो है वो जो प्रिंसिपल सप्लाई है, मतलब जो मेन कंटेंट है हमारा, यहाँ टीवी एग्जाम्पल था, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है बाकी सब उसी दायरे में आ जाएंगे क्योंकि सब उसी के पीछे छुपे हुए हैं। तो क्या सर जो गत्ता लगेगा, बॉक्स लगेगा, उसकी कॉस्ट होगी, उसका जो टैक्स रेट रहेगा वो टीवी का टैक्स रेट रहेगा? हाँ बेटा, इसीलिए आपको ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब ही है क्योंकि बाकियों का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, वो इसी की वजह से ही जिंदा है। आगे चलते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। टू एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, द सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर इन द सेम पैकेज, हियर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द प्रिंसिपल। क्योंकि जब आप गुड्स सप्लाई करोगे ट्रक की, तभी जरूरत पड़ेगी, और ट्रांसपोर्ट इसीलिए जरूरत रखा है टेम्पो आपने कि उस टीवी को घर तक पहुंचा सको। देयर फोर द टैक्स रेट ऑफ द गुड्स विल बी द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द एंटायर सप्लाई। बार बार अलग अलग लेसन लेगा, इवन इफ द जीएसटी रेट इज लो ऑन ट्रांसपोर्ट। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। दो चीजें हैं, एक तो आपका टीवी हो गया और एक आप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो सर्विस। जो आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस यूज कर रहे हो, टीवी लग्जरी में आता है, इसके ऊपर 28% का जीएसटी लगता है, और ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपका जीएसटी 5% मान लीजिए लगता है, रेट तो नहीं याद मगर 5% सस्ता कर देते हैं। तो इस जगह पर जब कंबाइन हो, कंपोजिट सप्लाई हो, तो ट्रांसपोर्ट का इंडिविजुअली 5% लगता था, अब ट्रांसपोर्ट का अस्तित्व खत्म। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करी गई है, इस सर्विस की जो भी कॉस्ट वैल्यू आएगी उसके ऊपर भी अब 28% ही जीएसटी चार्ज होगा। ये एक टैक्स लाइबिलिटीज होती है, और टैक्स लाइबिलिटीज को ध्यान रखिएगा हमेशा जो मेन कंटेंट है उसी के ऊपर ही यूज करी जाती है। दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रेडर हैज अरेंज फॉर द सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, दिस इज कंपोजिट सप्लाई। तो तुरंत पहचानना होता है कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, क्योंकि वही रेट लगेगा। तो प्रिंसिपल सप्लाई हमारी क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसको हम सप्लाई कर रहे हैं। और ये किस में फॉल करती है? टैक्स फ्री सप्लाई में, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स नहीं लगता। बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई आर नॉट टैक्स, देयर फोर टैक्स विल बी नॉट चार्ज ऑन एंटायर सप्लाई। हियर ट्रांसपोर्टेशन इज टैक्सेबल सर्विस बट ड्यू टू प्रिंसिपल सप्लाई दिस सर्विस विल ऑल्सो बी टैक्स फ्री। बहुत बढ़िया ढंग से दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो ज्यादा रेट से चार्ज हो रही है, और दूसरे वाले में ट्रांसपोर्ट सर्विस को फ्री कर दिया गया क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विस का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जो सर्विस है ट्रांसपोर्ट की वो प्रिंसिपल सप्लाई के साथ अटैच होती है। जब अगर प्रिंसिपल सप्लाई भी एग्जम्प्ट है, फ्री है, तो अब ट्रांसपोर्ट पे भले ही टैक्स लगता हो मगर अब इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इसका अस्तित्व खत्म। ठीक उसी तरीके से
अगर ज्यादा रेट का अगर गुड्स हुआ तो ज्यादा देना पड़ेगा। सर पहले वाले में तो नुकसान लग रहा है, दूसरे में फायदा लग रहा है, लग क्या रहा है बेटा, हो ही रहा है आपको फायदा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक का टैक्स रेट की सारी बात करी। अच्छा, अब अभी कंपोजिट की हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें आता है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, मतलब किस टाइम को हम मानेंगे कि गुड्स निकल गए। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आखिरी टॉपिक है हमारा यहाँ पर एफ। इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी तो जो मिक्स सप्लाई है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। इसीलिए ये वीडियो आपका दो पार्ट में रहेगा, आज ये फर्स्ट पार्ट है। इन द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई टैक्स इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सप्लाई। हाँ सर, हम जान गए कि जो भी होगा उसके ऊपर हम लगाएंगे, जैसे टीवी है टीवी का रेट लगेगा। इफ द प्रिंसिपल सप्लाई इज रिलेटेड टू गुड्स देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गुड्स। तो जो अभी हमने आपको बताना है आगे टाइम ऑफ सप्लाई, तो गुड्स के रेट में लगेगा। बट इफ द प्रिंसिपल सप्लाई इज सर्विस देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सर्विसेज। ये भी अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आपको बेसिकली आगे पढ़ना और जानना है, पढ़ना और जानना टाइम ऑफ सप्लाई है। ये टाइम ऑफ सप्लाई दो चीज़ों से रिलेटेड होता है। किस चीज़ से रिलेटेड होता है? एक तो गुड्स अगर आप सेल कर रहे हो तो गुड्स से रिलेटेड होता है। दूसरा ये किससे रिलेटेड होता है? ये सर्विसेज से रिलेटेड होता है। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या दोनों का एक होगा? नहीं बेटा, गुड्स का अलग टाइम ऑफ सप्लाई होता है, सर्विस का अलग टाइम ऑफ सप्लाई होता है। सर ये क्या होता है थोड़ा बता दें। मैंने बोला आपको कि अपने आप में एक अलग पूरा लेक्चर होता है, वहीं पर आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। मैं इसका आपका एक सेपरेटली लेक्चर लूंगा, तब आपको गुड्स और सर्विसेज के सेपरेट टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोगों ने कवर अप किया है कंपोजिट सप्लाई, और जैसे आपको पता है कि इसका दूसरा पार्ट भी है मिक्स्ड सप्लाई। जो स्टूडेंट लेट में आए थे, जिनको थोड़े से टर्म की दिक्कत हुई थी, तो समझ लें मैंने आज क्लास का सीक्वेंस जो है वो एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था। तो शुरू से देखिएगा तो एग्जाम्पल पहले जब समझ में आ जाएगा, 5 एग्जाम्पल्स लिए, उसके बेस पर फिर मीनिंग और फिर डेफिनेशन बताया, ताकि दिमाग की पूरी डेफिनेशन आपके बैठ जाए। आफ्टर देन फिर उनकी करेक्टरिस्टिक फीचर को भी एक्सप्लेन कर दिया, फिर लाइबिलिटीज और टाइम ऑफ सप्लाई की बात होती है। आप लोगों ने इतनी देर तक का बैठ के पढ़ा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू क्लास, सी यू इन नेक्स्ट। थैंक यू सर।